नमस्कार, आप देख रहे हैं आज इंडिया और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। इंदौर के कलेक्ट्रेट चौराहे पर करीब 20 दिन से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने आज अनोखा प्रदर्शन किया है। राह चलते लोगों को गुलाब का फूल देकर लोगों से विनती की और आप हमारे लिए प्रार्थना करें ताकि प्रदेश सरकार को भगवान सद्बुद्धि दे, ताकि प्रदेश सरकार हमारी मांग मान ले। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता चाहती है कि उनका मानदेय बढ़ाया जाए। इंदौर के कलेक्ट्रेट चौराहे पर करीब 20 दिन से धरने पर बैठे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने इसी पहली उनकी मांग की। उनका मानदेय 25 से 26 हज़ार किया जाए को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था और कहा था कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वह अनिश्चितकालीन हड़ताल करेगी। इसी के मद्देनजर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट चौराहे पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करती नजर आई है। आज कलेक्ट्रेट चौराहे से गुजरने वाले राहगीरों को गुलाब की कली देकर कहा गया कि आप सभी हमारे लिए भगवान से प्रार्थना करें कि प्रदेश सरकार को वह सद्बुद्धि दे और जल्द ही हमारी मांग के मान ली जाए। साथ ही कहा कि दमोह में जिस तरह प्रदर्शन कर रही उनके साथियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाए, यह अशोभमय आने हैं और आने वाले समय में हमारी मांगे नहीं गई तो प्रदेश भर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एकजुट होकर प्रदेश में प्रदर्शन करेगी। हम फूलों के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि सरकार को सद्बुद्धि दे भगवान और सरकार हमारी मांगों को माने। हम बहने इतनी चिलचिलाती धूप में यहाँ पर बैठी हैं, कम से कम 20 दिन हो गए हैं और कई जिले हमारे साथ बैठे हैं जो एक एक महीना भी ऊपर हो चुका है। तो अब सरकार को फूलों के माध्यम से यही संदेश देना चाहते हैं कि वो इसको हमारा एक संदेश समझे और जल्दी से जल्दी हमारी मांगों को पूर्ण करे और अपने अपने कार्यस्थल से हमें पहुँचाने का कष्ट करें। बिल्कुल, हम जब तक सरकार नहीं मांगेगी तो हम इसी तरह से बैठेंगे रोज और कुछ न कुछ शांतिपूर्ण ढंग से सरकार का विरोध करते रहेंगे। नहीं, हमें आज दिन तक कोई अधिकारी, कोई भी पक्ष विपक्ष कोई मिलने नहीं आया, किसी ने सूद नहीं ली। और हमारे जो बहनों के साथ अन्य जिलों में जैसे दमोह में उनका तंबू उखाड़ फेंका, हमारी धार में जो दीदी अध्यक्ष है वहाँ की जो भूख हड़ताल कर रही है, उसके बाद अब सरकार को सोचना चाहिए कि अंत समय आ गया है हड़ताल को खत्म करने का, हमारी मांगे पूर्ण करने का। मांगे पूर्ण कर दे, हमें आश्वस्त कर दे और शासन की विधिवत जो गतिविधियाँ हमारे माध्यम से होती है उन्हें वापस से हमसे काम पर पहुँचाए। मांगे नहीं मानी जाएगी तो सारे जिले एक होकर उग्र आंदोलन करेंगे बिल्कुल। और सरकार से हम जो इस महंगाई के ज़माने में सरकार खुद जानती है कि इतनी महंगाई में 10 हज़ार से कुछ नहीं होता है, तो कम से कम हमारे जो हमारा मान सम्मान का जो पैसा होता है वो मान दे, कम से कम 25 से 26 हज़ार जो हमें देना चाहिए उसको पूर्ण करके उन्हें बिल्कुल हमें आश्वस्त करके यहाँ से पंडाल से उठाना। मेरा परिचय रीना सेठिया फरके, जिला अध्यक्ष इंदौर।